दूसरे चरण में आज प्रदेश की 9 जिलों की 8 सीटों के लिए हुआ मतदान। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा सीटों पर शाम 58.61% से अधिक हुआ मतदान। देश के विभिन्न हिस्सों में लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जगह जगह जनसभाएं और रैलियां करके अपने पक्ष में मांग रहे हैं वोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से, मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से आज किया अपना नामांकन। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने एक जनसभा को भी किया संबोधित। समाजवादी पार्टी में हाल ही हुए शामिल शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने आज लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ सीट से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। वहीं कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया नामांकन। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज लोकसभा 2019 चुनाव का दूसरा चरण था। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में आज 9 जिलों की जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ उनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा सीटें शामिल हैं। द्वितीय चरण में कुल मतदाताओं की संख्या 1,41,94,132 थी, जिसके लिए 8,751 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शाम 5 बजे तक प्रदेश में 58.6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कई मतदान केंद्रों पर मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें भी देखी गईं, इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि अंतिम आंकड़े देर शाम तक प्राप्त हो सकेंगे। द्वितीय चरण में 85 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 10 महिला प्रत्याशी हैं। सभी मतदेय स्थलों पर वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया गया। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा मतदान केंद्रों की निगरानी की व्यवस्था की गई। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल और पीएसी की तैनाती भी की गई थी। नगीना लोकसभा सीट की बात करते हैं। नगीना लोकसभा सीट के लिए आज सवेरे दूसरे चरण में मतदान 7 बजे शुरू हो गया। बूथों पर युवा मतदाताओं में मतदान के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक 58% मतदान यहां पर हुआ। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में भी सवेरे 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। बीती रात हुई बारिश के बावजूद लोग मतदान के लिए घरों से निकले और मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। चुनाव आयोग ने बताया कि इस सीट पर शाम 5 बजे तक 58.17% मतदान हुआ। ये तस्वीरें दर्शा रही हैं मतदान के उत्साह को। मतदान को लेकर मथुरा में भी मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सवेरे से ही लोगों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना वोट डाला। बुजुर्ग, दिव्यांगजन, महिला मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक 56.60% मतदान यहां पर हुआ। अमरोहा में मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा था। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। इस सीट के लिए कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। चुनाव आयोग ने बताया कि इस सीट पर शाम 5 बजे तक 64.26% मतदान हुआ है। मुस्कुराहट चेहरे पर साफ मतदाताओं की देख रहे हैं आप। अलीगढ़ में भी सवेरे से मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। सुरक्षा के इंतजाम थे, सभी मतदान केंद्रों पर किए गए थे। चुनाव आयोग द्वारा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक अलीगढ़ में 60.20% मतदान हुआ था। बुलंदशहर में सवेरे से मतदान शुरू हो गया था। मतदान केंद्रों पर उत्साहित मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। चुनाव आयोग ने बताया कि शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ। लोकतंत्र के इस महापर्व के दूसरे चरण में होने वाले मतदान में आज आगरा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में सवेरे 7 बजे से पहली बार मतदान हुआ है और अभी हम ताजा अपडेट और ताजा तस्वीरों के लिए आपको ले चलते हैं सीधे निर्वाचन आयोग। इन 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सरसाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। इनिशियली द नंबर ऑफ
polling parliamentary constituencies to go to polls were 97. However, polls in two Tripura East parliamentary constituency have been deferred to April 23rd, 19, on the basis of reports that the prevailing law and order at the moment requires to be further strengthened by sending some additional CPF. And the notification to this effect was issued on April 16, 2019. Also, polling in eight Vellore parliamentary constituency of Tamil Nadu was rescinded by the commission, as it was found that there was a systematic design to induce the voters and hence vitiated the electoral process. The first phase of elections encompassed 91 parliamentary constituencies in 20 states and union territories. Of these, 10 states completed fully their elections by the first phase itself. By today, that's the second phase of election, polling has concluded completely in 14 states and union territories. A total of 22 states and union territories will conclude their elections completely by the third phase of election, Umesh scheduled Sinha, to be on April 23rd. So when the 13 states and union territories are yet to begin their polling. Till now, out of the seven phases, notification have been issued for six phases. Notification for the last and seventh phase of elections will be issued on April 22nd, 2019. The first phase of election, the opening or the premier, as you. दूसरे चरण में होने वाला चुनाव के तहत आज आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान में पहली बार वोट कर रहे युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। चुनाव आयोग ने बताया कि शाम 5 बजे तक 58% मतदान यहां पर हुआ है। और अब लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की 20 अप्रैल को जांच होगी, जबकि इस चरण के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल है। पांचवें चरण में देश के 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होंगे। पांचवें चरण के लिए 6 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई चुनावी रैलियां की। कर्नाटक के बागलकोट में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। मजबूर मुख्यमंत्री रो रहा है, मंत्री और नेता घोटाले पर घोटाले करते जा रहे हैं और उनको मालूम है कि अब उनकी सरकार का भविष्य लंबा नहीं है और इसलिए उनको लगता है कि जितना माल 5 साल में मारना चाहिए वो जितना जल्दी हो मार लो, पता नहीं घर कब के चले जाएंगे। आपका काम इसलिए ठप पड़ा है क्योंकि आपके हक के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। बदायूं में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राफेल मामले में हर हाल में जांच होगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि यदि कोई भी अपना कारोबार करना चाहता है तो उसे कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सपा बसपा और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन तीनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है। 5 सालों से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और कुछ समय से अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, बहुत बड़े वादे किए थे। हर रैली में नरेंद्र मोदी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। जहां जाते थे 2019 के बाद अगर यूपी का कोई भी युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, रोजगार पैदा करना चाहता है तो उसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बिना कोई परमिशन उत्तर प्रदेश का युवा 3 साल के लिए अपना बिजनेस चला सकता है। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का।
देश का सबसे बड़ा चुनाव। हर पार्टी का असर, हर नेता की खबर। चुनाव पर क्या है जनता की राय, चुनावी सुर्खियां सिर्फ डीडी यूपी पर रोजाना शाम 4 बजे। आतंकवाद को देंगे मुंह तोड़ जवाब, फिर एक बार मोदी सरकार। सभी छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन, फिर एक बार मोदी सरकार। कि मेरी जिंदगी को तबाही और बर्बादी से बचाना चाहते हो, मेरी जान। सपना ऐसे भारत का आज हुआ साकार है, ऊंच नीच छोटे पीछे ये मोदी सरकार है। सुरक्षा है, सम्मान है, ये सबका अधिकार है। सपनों का नया भारत देखो ले रहा आकार है। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद बात करते हैं बुलेटिन में राजनाथ सिंह से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मुरादाबाद में होने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुरादाबाद के बिलारी में संभल सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से क्यों गाली दे रहे हैं और देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सही दिशा में याद रखता है, भारत का भस्त्र पूजा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। कानपुर देहात की विधानसभा रसूलाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और लोकसभा कन्नौज से गठबंधन प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस जनसभा में कानपुर देहात समेत कन्नौज लोकसभा के समाजवादी पार्टी और बसपा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण में जनता ने गठबंधन के लिए मतदान किया है और पहले चरण के चुनाव में ही बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी के लोगों को गठबंधन समझ नहीं आ रहा है, हमारे गठबंधन को बीजेपी वाले मिलावटी गठबंधन बता रहे हैं। बीजेपी के 38 पार्टियों के गठबंधन को क्या कहा जाए, ये महागठबंधन ही देश की महादशा बदलेगा। नौकरी और रोजगार की बात पूछी उनसे तो उन्होंने कहा कि नौकरी करने क्या जरूरत है, जाओ पकौड़े बना लो, रोजगार अपने आप हो जाएगा, यही हमारा रोजगार है। और कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी आय हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, धान की कौन सी आय आपको मिल गई? लागत का भी मूल्य नहीं मिला और कहते थे डेढ़ गुना मुनाफा देंगे, आय दोगुनी कर देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बताओ, आय दोगुनी कहाँ हो जाएगी, कैसे होगी बताइए। लोकसभा मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे प्रेम सिंह शाक के समर्थन में कल इटावा के उसरा हार क्षेत्र के भरतैया कोठी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में देश को 50 साल आगे कर दिया है, जो पिछली सरकारें 70 सालों में नहीं कर पाई। उन्होंने भाजपा के समर्थन में प्रेम सिंह शाक के लिए जनसमूह से वोट की अपील की। हमारा जो एनडीए का घटक दल है वो हमारे साथ रहेगा, कोई शिकायत होगी तो उसको दूर कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सहित इस बार मुझे लग रहा है सपा बसपा कांग्रेस का पूरे युवा से टुकड़ा साफ होगा। हम 80 की 80 सीटें जीत सकते हैं और 300 से अधिक अकेले बीजेपी और 400 से अधिक एनडीए के साथ जीतेंगे। और मोदी जी
इस देश में कड़ा से कड़ा बड़ा से बड़ा फैसला लेने की ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के बरेली लोकसभा से प्रत्याशी संतोष गंगवार ने प्रेस वार्ता कर चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा बसपा से उन्हें कोई खतरा नहीं है और इस चुनाव में उनके मुकाबले में कोई नहीं है। उन्होंने कहा देश आज भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, इसलिए उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे मुकाबला है। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमें किसी पार्टी का कोई प्रचार वहाँ पर दिखाई दे ही नहीं रहा है। मुझे लगता नहीं सपा बसपा गठबंधन है और उसका कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा। एक विकास देश का और प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उनको सही ढंग से लागू किया जाए और वास्तव में समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचे और वो उस हिसाब से काम। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक पार्टी जिसने कई दशकों से देश पर शासन किया, उसका अतीत और वर्तमान भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हूं, उसका देश के प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री शर्मा आज सीतापुर में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के नामांकन कार्यक्रम से पूर्व आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई योजनाओं की चर्चा करते हुए सीतापुर के नैमिष में प्रदेश सरकार द्वारा 100 करोड़ से प्रस्तावित विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जनसभा के उपरांत भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ, लोकतंत्र का उत्सव जनता है भागीदार। देखिए जनादेश 2019 रोजाना 7:30 से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। और बुलेटिन में बात करते हैं अखिलेश यादव के नामांकन की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन प्रस्तुत करते समय उनके साथ प्रदेश के कई पूर्व मंत्री सहित नेता प्रतिपक्ष अंबिका चौधरी और बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन हमें आजमगढ़ की जनता पर विश्वास है कि महागठबंधन से अब किसी को शिकायत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन जीतेगा और ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी। अब ये केवल है कि लोगों को मना लें, अपनी बात समझा दें। लोग बीजेपी के लिए कुछ भी कहेंगे, भाई मेरा भी नहीं आ रहा, बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं। हमें उम्मीद है आजमगढ़ की जनता पर, भरोसा है आजमगढ़ की जनता पर कि जो महागठबंधन है साइकिल, अब किसी को उससे शिकायत नहीं होगी, साइकिल से किसी को शिकायत नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने आज एक रोड शो करने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में अपने 4 प्रस्तावकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद मेनका गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा मेरे पति की कर्मभूमि पर आज मुझे इतना स्नेह और प्यार मिला है, वो बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। कोशिश करेंगे कि हर एक से हम लोग बात करके हम उनका वोट मांगे, ये हमारा काम है। जितना वो देंगे वो तो उनके ऊपर है। और बुलेटिन में बात समाजवादी पार्टी के एक नए चेहरे की। समाजवादी पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुई शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने आज लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ सीट से प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। उनके साथ सपा नेता डिंपल यादव भी मौजूद थी। वहीं लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आचार प्रमोद कृष्णम ने भी नामांकन किया। उनके नामांकन में संत समाज के लोग भी मौजूद रहे। गजब का वातावरण है, गजब का समर्थन है, इतना बढ़िया अद्भुत वातावरण और जुलूस
अन्याय के खिलाफ न्याय की, ये हमने आज पहली बार देखा है। और आज विशेषकर जो हमारी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा, हमारी फैमिली फ्रेंड और समाजवादी पार्टी की लीडर डिंपल यादव, और उससे ज्यादा मैं कहूंगा यूथ आइकॉन, वर्तमान का भविष्य और देश का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य, अखिलेश यादव ने और मायावती जी ने जिस तरह बहन मायावती ने मिलकर किया है, मैं समझता हूं पूरे देश में एक पैगाम गया है कि देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है, सचेत हो गई है और अब ये बर्दाश्त नहीं करे। लखनऊ की धरती मोहब्बत की धरती है, प्रेम सद्भावना की धरती है, तहजीब की धरती है, अमन की धरती है। लखनऊ की धरती मोहब्बत की धरती है। और मैं तो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, मैं तो पैदल चल के चुनाव लड़ रहा हूँ। ये लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, अहंकार में चूर हैं, मैं तो इनसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने इस देश को दिया क्या है? इस लखनऊ ने इन्हें बहुत कुछ दिया, लखनऊ को क्या दिया? देश के साथ रोज धोखा, फरेब, झूठ, बेरोजगारी के नाम पे झूठ, रोजगार देने के नाम पे झूठ, कालाधन लाने के नाम पे झूठ, राम मंदिर बनाने के नाम पे धोखा, ये ठग हैं, ठग झूठे हैं, मक्कार हैं। इसीलिए देश के संतों का विश्वास इनसे उठ चुका है। आज इस चुनाव में देख रहे हैं, देश का कोई संत इनके साथ नहीं है। सारे राष्ट्रभक्त संत भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ। कैसरगंज लोकसभा से पूर्व मंत्री विनय कुमार पांडे ने आज कांग्रेस से कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कैसरगंज पिछले 5 वर्षों में काफी पिछड़ गया है और यहां अनेक समस्याएं हैं जिनका निदान किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का के प्रत्याशी के रूप में हाईकमान के निर्देशानुसार आज मैंने कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन से क्षेत्र से प्रत्याशिता दर्ज की, उसकी अभ्यर्थना की। यहां की जनता के साथ, यहां के क्षेत्र के साथ ये पिछले 5 वर्षों में छलावा किया गया है। ये 70 साल बनाम 5 साल की जो बात की जा रही है, तो जैसा कि मोदी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के और आवाम के साथ और हिंदुस्तान के साथ छलावा किया है और जुमलेबाजी की है, ठीक उसी तरीके से हमारे कैसरगंज के निवर्तमान सांसद जी ने भी कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र के विकास और उनके जनता के साथ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लिए आज बलरामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने आज अपना नामांकन पेश किया। बलरामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हुई, लेकिन प्रथम दिन किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह पूर्व में बसपा विधायक रह चुके हैं। उन्होंने नामांकन से पूर्व रोड शो और जनसभा कर लोगों को कांग्रेस के साथ जुड़ने की अपील भी की। अरे श्रावस्ती में मुद्दे, अनेक मुद्दे हैं। सबसे पहला तो ये है कि बलरामपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज, बलरामपुर में रिंग रोड की अत्यंत आवश्यकता है। बलरामपुर शहर जो है हमेशा जाम से जूझता रहता है, यहाँ आवागमन की इतनी परेशानी शहर में, उससे ही पूरे श्रावस्ती लोकसभा का जो सेंटर है हमारा जो बलरामपुर, यहाँ पर जो है आवागमन की जो बलरामपुर के चारों तरफ जो रिंग रोड की आवश्यकता है, अगर बनी भी है तो कहीं रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को जाम से जो है निजात दिलाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर इसका कार्य करवाना है। बाराबंकी लोकसभा सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र सिंह रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उपेंद्र सिंह रावत ने सभा की और रोड शो भी निकाला। बीजेपी ने प्रियंका सिंह रावत का टिकट काटकर जैतपुर से भाजपा विधायक उपेंद्र सिंह रावत को बाराबंकी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। यहां उपेंद्र रावत का सीधा मुकाबला कांग्रेस के तनुज पुनिया और गठबंधन प्रत्याशी रामसागर रावत से है। नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र रावत ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो जिले की सारी स्थानीय समस्याओं का निराकरण कराएंगे। फतेहपुर में बाईपास बनवाया जाएगा। जैतपुर विधानसभा में एक रारी नाला है, जिसकी वजह से बरसात में हजारों एकड़ जमीन बर्बाद होती है।
उसको साफ करवाने का काम किया जाएगा और पूरे जिले में जितने भी विकासखंड हैं सब में जिनमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नहीं है वहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना करेंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट से @DDNewsUP पर या हमारे फेसबुक पेज से जुड़े DDNewsUP पर। यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए लॉगिन करें DDNewsUP। मतदाताओं को मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देने का संदेश देने के लिए मिर्जापुर में गंगा नदी में अनूठी वोट फॉर वोट रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों नावों पर सवार होकर लोगों ने मतदान जरूरी है का नारा बुलंद किया। विंध्याचल से आरंभ हुई इस रैली नारघाट पर जाकर संपन्न हुई। गंगा की लहरों पर मतदाता जागरूकता को बढ़ाने तथा जनपद में मतदान का प्रतिशत 75% से अधिक करने हेतु 400 नावों की रैली निकाली गई। गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। रैली को जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने पक्के घाट विंध्याचल पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाव पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। रैली में स्काउट के बच्चों द्वारा धुन भी बजाई जा रही थी। तो गंगा के किनारे शहर वासियों पर और गंगा के दूसरे किनारे पर बैठे हुए बसे हुए ग्रामीण वासियों को वोट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, 75% से अधिक वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने के लिए आज हम लोगों ने 400 वोटों की फ्लोट फॉर वोट की रैली निकाली है। इसका थीम है फ्लोट फॉर वोट, अर्थात नदी में ठहरिए, गंगा माँ में ठहरिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। बुंदेलखंड में पिछले कई वर्षों में कम वर्षा के कारण जल संकट की गंभीर समस्या के निराकरण के लिए बुंदेलखंड जल सहेली मंच ने अनेक गांव में सामूहिक प्रयासों से इसके प्रभावी समाधान की दिशा में प्रयास किए हैं, जो देश में सामुदायिक प्रयास की अनूठी पहल है। इन जल सहेलियों ने अपने प्रयास से पिछले 5 साल से बहने अपने गांव को अपने इलाके को पानीदार बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही। इनमें से अधिकांश बहनें ऐसी हैं जो 100-100 बार जिला मुख्यालय पर, लखनऊ में भी गईं, दिल्ली में भी गईं, इन्होंने अपने गांव को पानीदार बनाने का काम किया। और चलते चलते एक नजर प्रमुख समाचारों पर। दूसरे चरण में आज प्रदेश की 9 जिलों की 8 सीटों के लिए हुआ मतदान। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 58.61% हुआ मतदान। देश के विभिन्न हिस्सों में लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जगह जगह जनसभाएं और रैलियां करके अपने पक्ष में मांगा रहा वोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से, मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से आज अपना नामांकन किया दाखिल। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने एक जनसभा को भी किया संबोधित। और सपा में हाल ही में शामिल हुई शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने आज लोकसभा चुनावों के लिए लखनऊ सीट से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। वहीं कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया नामांकन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।